औषधि ज्ञान की इस श्रृंखला में आज बात करेंगे बबूल के विषय में। आम भाषा में बबूल को कीकर के नाम से जाना जाता है। बाधयति संयच्छति बधनाति मलम ग्राहित्वात् बध्म संयमने, अर्थात जो मल को बांधता है उसे बबूल कहते हैं। विभिन्न भाषाओं में बबूल के अलग अलग नाम हैं, जैसे हिंदी भाषा में बबूल को बबूर या कीकर कहा जाता है, बंगाली भाषा में बाबला, मलयालम में बाबुल, गुजराती भाषा में बाबल, कन्नड़ में इसे पुलई का नाम दिया जाता है, तेलुगु भाषा में नलत्तुम, तमिल में करु, फारसी भाषा में यह मुगिला के नाम से जानी जाती है, अंग्रेजी भाषा में अमुगिला, लैटिन में अकेशिया अरेबिका नाम इसको दिया जाता है। इसका वृक्ष मध्यम आकार का कांटों से युक्त होता है। इसकी छाल गहरे भूरे या काले रंग की और लंबाई में फटी हुई होती है। इसके पत्ते की यदि हम बात करें तो इसका पत्ता संयुक्त यानी कि आपस में जुड़ा हुआ और जोड़े में होता है। इसका पुष्प चमकीले पीले गोल और मधुर गंध वाला होता है। इसकी फली 7.5 से लेकर 14 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। बात करते हैं इसके गुण और प्रयोग के विषय में। इसका गोंद स्नेहन अर्थात चिकना, ग्राही और पौष्टिक होता है। इसके प्रयोग से मुख के छाले, शुष्क कास यानी कि खांसी, गले का सूखना आदि में इसको चूसने से लाभ होता है और यह मूत्र कृच अर्थात बार बार पेशाब की मात्रा कम होना, अतिसार, पतले दस्त आना और मधुमेह में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी छाल संग्राहक होती है। इसके क्वाथ से मुंह के रोग, दांत का हिलना और गले की शिथिलता में यह लाभकारी होता है। इसकी फली का चूर्ण चीनी मिलाकर अगर दिया जाए तो यह स्वपन दोष, शीघ्र पतन आदि में बहुत लाभदायक होता है और स्त्री रोग में विशेषकर श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर में भी इसका चूर्ण बनाकर रोगी को दिया जाता है, जिसमें यह विशेष लाभदायी होता है। इसके और अधिक आयुर्वेदिक नुस्खे जानने के लिए आइए बात करते हैं नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी से। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्य हम सहोद्र ही आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उमर भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं कीकर के बारे में। कीकर दो प्रकार की है, एक काबली कीकर बोला जाता है, एक बबूल कहते हैं जिसको देसी कीकर कहा जाता है। इसी देसी कीकर का गोंद जो प्रसूता स्त्रियाँ प्रयोग करती हैं, इस गोंद का प्रसूता बच्चा के जन्म होने के पश्चात अगर इस गोंद का प्रयोग या गोंद के लड्डू डाले जाते हैं जो सर्दियों में विशेषकर खाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत कर देता है। आजकल जो इंसुलिन के रोगी हैं, जो बच्चे जिनको इंसुलिन लग रहा है या शुगर के रोगी काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, शुगर ठीक नहीं हो रहा, कभी कब या ज़्यादा हो जाता है, ऐसे अगर शुगर के रोगी भी इस एक चम्मच गोंद को पानी में भिगो करके दिन में 3 बार पी लेते हैं तो इंसुलिन का रोग भी दूर हो जाता है, इंसुलिन की बीमारी भी दूर हो जाती है, अंदर से इंसुलिन बनना लग जाता है और हड्डियों में ताकत आकर के हाथ पैरों का जलन जो है वो दूर हो जाती है, नसों की ब्लॉकेज खुलती चली जाती है। बबूल की छाल का प्रयोग जो है हम वीर्य पुष्टिकरण में भी करते हैं और जहाँ धात का रोग हो जाता है या पौरुष शक्ति की कमी हो जाती है वहाँ इसकी फली का प्रयोग किया जाता है। इस फली को कूट करके लड्डू बना लिए जाते हैं और इस फली का प्रयोग करके हम पौरुष शक्ति को बढ़ाते हैं। और बबूल के अंदर जो है इसका जो फल होता है उस फल का जो निर्यास होता है, ये निर्यास बड़ा ही काम आता है। इसके निर्यास का यानी गोंद का हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और विशेषकर अगर इसकी दातुन की जाए तो पायर या रोग दूर हो जाता है, जाड़ों आपके दांतों का हिलना दूर हो जाता है। बबूल जिसको देसी कीकर या बबूल के नाम से जाना जाता है बहुत ही उत्तम औषधि है। आप जहाँ कहीं भी चौराहे पर नहीं, नदियों के किनारे पर या खेत में बाढ़ के ऊपर अगर कीकर का वृक्ष हम किसी सोमवार को या शनिवार को लगाते हैं
तो जो लोग कहते हैं कि हम पर शनि की व्याधा है या कहते हैं कि राहु और केतु की व्याधा है, तो कीकर का पेड़ उगाने से राहु और शनि की व्याधाएं भी शांत हो जाती हैं। यानी कीकर एक ऐसी उत्तम औषधि है जो आपके शरीर की सप्त धातुओं का निर्माण करके आपके रोगों को दूर करती है। तो आपको अगर इस प्रकार की मानसिक भ्रांति आपके अंदर पैदा हो गई है कि आप राहु और केतु या शनि से ग्रसित हैं, आपके विपरीत हैं, तो आप लोगों को देशी कीकर जो है किसी तालाब के किनारे या खेतों में बाढ़ के किनारे पर इसको अवश्य ही लगा देना चाहिए। विशेष करके सोमवार या शनिवार के दिन इसका पौधा आपको लगाना चाहिए, आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। जय भारत, जय भारती। सभी प्रकार के रोग संबंधी परामर्श हेतु वैद्य से मिलने का समय हरियाणा में रोहतक में सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक, दिल्ली बाईपास के नजदीक हुड्डा सेक्टर 1 की दूसरी पुलिया के सामने, और दिल्ली नांगलोई में दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक, नांगलोई मेट्रो स्टेशन के साथ पिलर नंबर 384 के सामने मेट्रो बाजार में सर्वोदय स्कूल के सामने रोजाना आप मिल सकते हैं। शुक्रवार बंद रहेगा। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें 8595-299-299-7428-299-999-5555-6004